ओके तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस टेंशन के मैथमेटिकल डेफिनेशन से, और बाद में हम लोग देखेंगे कि सरफेस एनर्जी क्या होता है। तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी समझ लेंगे, फिर हम देखेंगे कि सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन को रिलेट कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये भी, अगर आप लोगों को पिछले कॉन्सेप्ट समझे होंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी अगर आपको समझा होगा तो ये कुछ भी नहीं है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके तो सबसे पहले सरफेस टेंशन को हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करेंगे, मैं वापस से मेथड वही रखूँगा कि पहले मैं आपको समझा दूँगा और बाद में हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेंगे। तो आपको याद होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हम लोगों ने एक कंटेनर लिया है, उसमें अगर हमने एक लिक्विड फिल करके रखा है, तो इसका जो अपर सरफेस है बेसिकली, या फिर जो सरफेस फिल्म है, ये हमेशा एक कांस्टेंट टेंशन में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। मतलब क्या, जो भी सरफेस फिल्म में मॉलिक्यूल्स है, इस सरफेस फिल्म के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है, उस पर कंटिन्यूस एक फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड्स भी लग रहा है, साइड वाइज भी फोर्स लग रहा है। अभी साइड वाइज क्यों बोल रहा हूँ, अभी समझिएगा। देखो हम लोग ऐसा करते हैं कि जो अपर सरफेस है, ये लिक्विड का अपर सरफेस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर की सरफेस की बात कर रहा हूँ, मतलब एक्स वाई सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, एक्स डैश वाई डैश की नहीं, सिर्फ एक्स वाई ऊपर का सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप इस कंटेनर को ऊपर से देखोगे, मतलब टॉप व्यू से देखोगे, और उसमें अगर आपने एक सेक्शन ले लिया, तो आई विल जस्ट ड्रॉ इट हियर, तो मैं एक सर्कुलर सेक्शन की तरफ देख रहा हूँ बेसिकली। तो आई विल ड्रॉ इट हियर, एक सर्कुलर सेक्शन की तरफ देख रहा हूँ मैं, इसको मैग्नीफाई कर देता हूँ फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। तो वी आर लुकिंग एट दिस सर्कुलर सेक्शन। अगर मैं इस सर्कुलर सेक्शन पे एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करता हूँ, लेट से ये इमेजिनरी लाइन है, इसको हमने नाम दे दिया पी क्यू, ये लाइन इमेजिनरी है। इस इमेजिनरी लाइन पे डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के, ये सिर्फ ऊपर का सरफेस है, हम लोग उस कंटेनर को ऊपर से देख रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल पे डाउनवर्ड्स फोर्स तो है ही, मतलब यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल है उसको नीचे की तरफ के फोर्सेस तो हो ही रहे हैं अप्लाई, वो जो कल थ्योरी समझाया था मैंने लास्ट लेक्चर में, उससे क्लियर होगा वो। लेकिन इसके साइड में भी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो क्या होगा कि पी क्यू लाइन पे जो भी मॉलिक्यूल है उसको टेंजेंशियली भी फोर्स लग रहा है, मतलब टेंजेंशियली भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। सिमिलरली दूसरे साइड पे भी होगा, क्योंकि टॉप सरफेस पे ये लाइन पी क्यू के बाजू में भी, तो आजू बाजू में दोनों साइड्स पे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस पी क्यू लाइन पे जो इमेजिनरी लाइन है, और इसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं, ये जो हमारे पास पी क्यू लाइन है, इमेजिनरी लाइन, इसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं एल है, ये एल लेंथ है। तो इस लाइन पे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके, उस मॉलिक्यूल्स पे दोनों डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेट अस से दिस टेंजेंशियल फोर्स इज एफ। तो अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स है, क्योंकि ये एल हो सकता है 10 मीटर हो सकता है 2 मीटर हो सकता है 1/2 मीटर हो, अगर हमको देखना है, और मैं मान लेता हूँ कि टोटल फोर्स, सपोज फॉर एग्जाम्पल टोटल फोर्स है 20 न्यूटन का, टोटल लेंथ है इसका 5 मीटर, मुझे ये देखना है कि 1 मीटर में कितना फोर्स, उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हम लोग उसको डिफाइन कर देते हैं सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन इज नथिंग बट फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स है एक्टिंग ऑन एन इमेजिनरी लाइन पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सरफेस टेंशन का, मैं रिपीट कर रहा हूँ और साथ में हम लिखते भी जाएंगे। तो बेसिकली हमने किया क्या है, हमको पता है कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे हमेशा एक फोर्स होता है, राइट, और दैट इज़ वाई दिस फ्री सरफेस एक्ट्स एज अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। और हर एक मॉलिक्यूल पे, उस सरफेस फिल्म पे, फिल्म में जो भी मॉलिक्यूल होगा उस पे एक फोर्स हमेशा एक्सपीरियंस करता है मॉलिक्यूल। सो जो भी मॉलिक्यूल उस फिल्म पे है या सरफेस ऑफ लिक्विड पे है, दे विल कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस सम फोर्स। सो वी नो दैट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड
इन अ कंटेनर एक्ट्स एज स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड ऑल मॉलिक्यूल्स ऑन द फिल्म और ऑन द सरफेस, बेसिकली ऑन द सरफेस ऑफ द फिल्म, ऑन द सरफेस ऑफ द फिल्म और सरफेस फिल्म एक्सपीरियंस अ स्ट्रेचिंग फोर्स, एक्सपीरियंस अ स्ट्रेचिंग फोर्स। तो हम लोगों ने सरफेस को हम लोग ऊपर से देख रहे हैं बेसिकली, और हम लोग एक लाइन इमेजिन करेंगे। सो लेट्स इमेजिन अ लाइन, इमेजिन अ लाइन पी क्यू ऑफ लेंथ एल ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब जैसे मैंने बताया, इस लिक्विड, इस लाइन के ऊपर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल एक साइड वाइज स्ट्रेचिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। साइड मतलब टेंजेंशियल होगा वो। सो ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन दिस लाइन, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन दिस लाइन एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट क्यों मैंने बताया, उस लाइन के दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस टेंजेंशियल टू सरफेस ड्यू टू कोएसिव फोर्सेस, क्योंकि ये कोएसिव फोर्सेस है, उस लाइन के दोनों साइड पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स ही होंगे, तो कोएसिव फोर्सेस की बात चल रही है यहाँ पे। कोएसिव फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइंग ऑन ईदर साइड, ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइंग ऑन ईदर साइड। अच्छा, ये जो फोर्स है, दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ इज बेसिकली सरफेस टेंशन। सो दिस फोर्स, दिस टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सरफेस टेंशन। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका मतलब। सो सरफेस टेंशन कैपिटल टी, सरफेस टेंशन कैपिटल टी इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स, इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, एक्टिंग पर यूनिट लेंथ किस पे एक्ट हो रहा है, बेसिकली ऑन बोथ साइड्स ऑफ इमेजिनरी लाइन, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इमेजिनरी लाइन, क्योंकि लाइन इमेजिनरी थी, ऑफ इमेजिनरी लाइन। हम लोगों ने कहाँ लिया था लाइन, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे, ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। देयरफॉर टेंशन इज नथिंग बट फोर्स अपॉन लेंथ। तो इसका यूनिट भी इजी है, फोर्स अपॉन लेंथ आपको पता है न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डायमेंशंस आप निकाल सकते हो, आई विल नॉट गो इन टू इट। ओके, ये हो गया आपका सरफेस टेंशन।
अब हम लोग सरफेस एनर्जी क्या होता है वो देख लेते हैं क्विकली। सरफेस एनर्जी का सिर्फ थियोरेटिकल बैकग्राउंड मैं अभी दूंगा, अगले टॉपिक्स में हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, मतलब सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन को रिलेट करेंगे। बेसिकली इजी चीज़ है, देखो वापस से बात वही है कि हमने जो बेसिक सीखा है मॉलिक्यूलर थ्योरी से, हमने एक कंटेनर लिया था। अब ये कंटेनर में हम लोगों ने ऑलरेडी, मैंने आपको बता के रखा है, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है एक्स वाई। उसके बाद हमने एक्स डैश वाई डैश लिया था, फिर हमने बोला था कि इसका जो थिकनेस है ये रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स है, और इसको सरफेस फिल्म बोला था हम लोगों ने। तो सरफेस फिल्म में जो भी मॉलिक्यूल होगा उस पे एक कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वो मॉलिक्यूल जो है वो नीचे की तरफ आने वाले हैं क्योंकि एक डाउनवर्ड फोर्स कंटिन्यूअसली है। ऐसे तो फिर सरफेस फिल्म के सारे मॉलिक्यूल्स डीप इनसाइड वाटर चले जाएंगे, तो मतलब कोई फिल्म बचेगा ही नहीं। तो जो सरफेस फिल्म के मॉलिक्यूल्स नीचे जाते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए नीचे से सरफेस फिल्म में भी मॉलिक्यूल जाने चाहिए, दैट इज़ द आइडिया हियर, अदरवाइज सरफेस फिल्म बचेगा ही नहीं। तो सरफेस फिल्म के मॉलिक्यूल जो नीचे गए थे उसको रिप्लेस करने के लिए डीप इनसाइड लिक्विड, वहाँ से मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ आने चाहिए। अब होगा क्या, हमने ऑलरेडी देखा है कि जो मॉलिक्यूल्स डीप इनसाइड लिक्विड है उस पर ऑलरेडी कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा है। हाँ, नेट कोहेसिव फोर्स जीरो होगा लेकिन कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल डीप इनसाइड जो मॉलिक्यूल ए लिया था, इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस बेसिकली। मतलब अगर आपको डीप इनसाइड मॉलिक्यूल को ऊपर ले जाना है तो वर्क डन करना पड़ेगा बेसिकली, सॉरी फॉर दिस। तो यू हैव टू डू वर्क, सॉरी अगेन, सम प्रॉब्लम लेटली विद द सॉफ्टवेयर। या तो द आइडिया इज कि वर्क डन करना पड़ेगा इस मॉलिक्यूल को अगर ऊपर ले जाना है, तो डीप इनसाइड जो मॉलिक्यूल है उसको अगर ऊपर ले जाना है तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये वर्क डन गया कहाँ पे, ये वर्क डन जो है ये स्टोर हो जाता है कहाँ पे, स्टोर हो जाता है सरफेस फिल्म में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। तो बहुत सिंपल आइडिया है, जैसे मैंने बताया सरफेस फिल्म में जो भी मॉलिक्यूल होगा उस पे कंटिन्यूअस डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो मिनिमाइज हो जाते हैं, मतलब वो नीचे आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द डाउनवर्ड फोर्स, नेट कोहेसिव फोर्सेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब उन मॉलिक्यूल को रिप्लेस करने के लिए डीप इनसाइड से मॉलिक्यूल्स को ऊपर जाना पड़ेगा, अपने आप तो जाएंगे नहीं, तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये वर्क डन मतलब जो मॉलिक्यूल डीप इनसाइड से सरफेस लेयर में गए, ये जो वर्क डन हुआ वो कहाँ गया, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी, क्योंकि एनर्जी सरफेस लेयर पे स्टोर हो गया इसलिए सरफेस एनर्जी। सिंपल कॉन्सेप्ट है बहुत। ओके, सो वी विल जस्ट पुट इट पॉइंट बाय पॉइंट हियर। सो द आइडिया इज दिस, वी नो दैट अ मॉलिक्यूल इनसाइड द वॉल्यूम और डीप इनसाइड, बेसिकली अ मॉलिक्यूल डीप इनसाइड अ लिक्विड, जो हमने मॉलिक्यूल ए लिया था सरफेस टेंशन समझाते वक्त, मॉलिक्यूल ए एक्सपीरियंसेस मोर कोहेसिव फोर्स। मोर कोहेसिव फोर्स डेफिनेटली नेट फोर्स जीरो होता है उस पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नेट फोर्स इज डेफिनेटली जीरो बट इट एक्सपीरियंसेस मोर कोहेसिव फोर्स एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस फिल्म। सो एक्सपीरियंसेस मोर कोहेसिव फोर्स देन मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस फिल्म, देन मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म में जो मॉलिक्यूल्स है उसके लिए नेट फोर्स जो होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन।
अब देयरफॉर मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस फिल्म मिनिमाइजेस, मिनिमाइज होते हैं मतलब कम होते हैं, और उनको रिप्लेस करने के लिए हमको मॉलिक्यूल्स डीप इनसाइड से ऊपर लेके जाने पड़ेंगे, राइट। मिनिमाइजेस एंड द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डीप इनसाइड हैज़ टू गो अप। अभी आप अपने आप तो ऊपर जाएगा नहीं, तो वर्क डन करना पड़ेगा। देयर फोर वर्क हैज़ टू बी डन टू ब्रिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड टू द सरफेस फिल्म, जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो वर्क डन है, इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सरफेस फिल्म। एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ओके, तो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन समझने के बाद हम लोगों को देखना है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो वेरी सिंपल टॉपिक अगेन, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो ये टॉपिक से आपको सरफेस एनर्जी का एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन या सरफेस टेंशन का एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन मिलता है। सो रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो हम लोग एक सिंपल सा काम करेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए। हम लोग एक मेटालिक, मेटालिक मतलब एक वायर का फ्रेम ले लेंगे, रेक्टेंगुलर फ्रेम। हम लोग ऐसा करेंगे कि एक रेक्टेंगुलर हमने फ्रेम ले लिया, ये वायर का फ्रेम है बेसिकली, राइट। अब इसको कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, जैसे पी डैश पी, एस एस डैश। ये एक मेटालिक वायर है बेसिकली, रेक्टेंगुलर शेप में। उसमें रेक्टेंगुलर शेप में तो उसमें क्या है कि एक साइड है क्यू आर, ये मूवेबल साइड है, मूवेबल आर्म है, ये मूव हो सकता है। पी क्यू फिक्स है, पी क्यू कैन नॉट मूव बट क्यू आर कैन मूव, तो वो फ्लेक्सिबल आर्म है बेसिकली। अब हम लोगों ने इस मेटालिक फ्रेम को, रेक्टेंगुलर फ्रेम को, वायर के फ्रेम को एक सोप सॉल्यूशन में हमने डिप कर दिया और डिप करके बाहर निकाल लिया। तो जैसे तुम सोप सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे तुम सोप सॉल्यूशन को बाहर निकालोगे तो यहाँ पे एक लेयर बन जाएगा सोप सॉल्यूशन का, फिल्म बन जाएगा बेसिकली सोप सॉल्यूशन का। अब आइडिया ये होता है कि सरफेस टेंशन, क्योंकि सोप सॉल्यूशन का फिल्म बना तो वहाँ पे सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट आ गया। सरफेस टेंशन क्या करता है? सरफेस टेंशन हमेशा एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सरफेस टेंशन की वजह से जो सोप बबल होते हैं उसका शेप स्फेरिकल होता है, लिक्विड ड्रॉप का शेप स्फेरिकल होता है। तो सिमिलरली वो स्फेरिकल क्यों होता है? क्योंकि सरफेस टेंशन जो है, इट ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। तो अभी यहाँ पे जो फिल्म बना है, फिल्म बना है मतलब सरफेस टेंशन की बात आ गई, सरफेस टेंशन है तो एरिया मिनिमाइज होना चाहिए। एरिया मिनिमाइज होना चाहिए मतलब क्या कि ये जो फिल्म है ये मूवेबल आर्म क्यू आर को अंदर की तरफ ले जाएगा। एक्चुअली पी एस को भी
पी एस भी क्यू आर की तरफ मूव होगा, क्यू आर भी पी एस की तरफ मूव होगा, होना चाहिए आइडियली, लेकिन पी एस साइड फिक्स था इसलिए हम लोग वहाँ पे बात नहीं करते फोर्स की। तो हम लोग बोलते हैं कि देर इज़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन द मूवेबल आर्म क्यू आर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन एंड हैंस दिस फिल्म ट्राइज टू मिनिमाइज द एरिया। यहाँ तक इजी कॉन्सेप्ट है। अब हम मान लेते हैं कि इस क्यू आर साइड का लेंथ है एल, कैपिटल एल लेंथ है इस क्यू आर साइड का, मान लेते हैं। सो आई विल जस्ट ड्रॉ इट हियर जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन। इस साइड का जो लेंथ है दैट इज कैपिटल एल। ओके, अब तो ये जो फोर्स लग रहा है एफ, व्हाट इज दिस फोर्स इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन? आपको पता है कि टी इज इक्वल टू टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ था, अभी हमने डिफाइन किया, पर मैं यहाँ पे 2L लिखूँगा। 2L क्यों लिखूँगा ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि सरफेस फिल्म की जब बात करते हो, मैं वापस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सरफेस फिल्म की जब बात कर रहे हो, इस केस में बात कर रहे हो, तो दो फ्री सरफेस है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दो फ्री सरफेस है। जैसे बबल के दो सरफेस होते हैं, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, वैसे सरफेस फिल्म यहाँ पे जो बात चल रही है सरफेस फिल्म की, यहाँ पे दो फ्री सरफेस है। आई एम रिपीटिंग अगेन, दो फ्री सरफेस है, बहुत गड़बड़ होती है। मतलब क्या होता है कि ये जो एल लेंथ है, मतलब ये जो क्यू आर साइड पे जो फोर्स लग रहा है, ये ऊपर की तरफ भी लगेगा और ये फोर्स नीचे की तरफ भी लगेगा। यू हैव टू इमेजिन, इसको इमेजिन किए बिना नहीं होगा ये, तो आप इमेजिन करो। और आपने बहुत बचपन में खेला भी होगा, जो आप सोप सोल्यूशन बना के बबल्स क्रिएट करते थे, तो यू यूज टू ब्लो एयर, आप वहाँ पे फूंक मारते थे और बबल्स जनरेट होते थे बेसिकली, तो वही टाइप का एक फिल्म है। बचपन में वापस जाओ तो ये वायर फ्रेम वही है। तो दो सरफेस है, एक ऊपर की तरफ का सरफेस है, एक नीचे की तरफ का सरफेस है, क्योंकि ये फ्री फ्री सरफेस है, ये इट इज़ नॉट अ क्लोज्ड थिंग। एनीवेज, तो आपको फोर्स मिल गया है यहाँ पे टेंशन इंटू ट्वाइस एल, राइट? ओके, अब ये फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स एरिया को मिनिमाइज करेगा। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा देते हैं इस पे, एफ डैश, मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये एफ डैश जो हमने अप्लाई किया है वो ये जो क्यू आर मूवेबल आर्म है उसको बाहर की तरफ ले आएगा, उसको ले आएगा क्यू डैश आर डैश पे, लेट अस से क्यू डैश आर डैश पे ले आएगा उसको वो। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ आर्म का क्यू आर से क्यू डैश आर डैश, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ डी एक्स। अब तो ये फोर्स एफ डैश ने क्या किया, वर्क डन किया। व्हाट इज वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लगाया था हमने एफ डैश, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डी एक्स। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि ये जो एफ डैश फोर्स है ये एफ को इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, देयर फॉर हम लोग लिख सकते हैं, बट आई मीन आई वॉन्ट टू से वी कैन से बट एफ डैश एंड एफ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब एफ डैश का मैग्नीट्यूड वाइज आपको मिल जाएगा टी इंटू ट्वेल्व, फिर आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो वर्क डन डी डब्ल्यू विल बी टी टाइम्स ऑफ 2L इंटू डी एक्स। लेकिन 2L इंटू डी एक्स, डी एक्स क्या था, ये साइड था क्यू क्यू डैश आर आर डैश, एल क्या है लेंथ है, 2L क्या है ट्वाइस द लेंथ है, मतलब क्योंकि दो फ्री सरफेस है रिमेंबर। तो ये जो एरिया बढ़ गया, देखो ये एरिया सपोज ए है, ये जो एरिया बढ़ गया क्योंकि क्यू आर बाहर की तरफ मूव आया, तो एरिया बढ़ गया, मतलब दैट इज चेंज इन एरिया डी ए। सो दैट चेंज इन एरिया डी ए इज नथिंग बट 2L dx। 2Q ले रहे हैं याद रखना, ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस, सो दैट इज डी ए। सो डी डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। मिल गया अल्टरनेटिव डेफिनेशन आपको। सो सरफेस टेंशन क्या होगा, वर्क डन मतलब सरफेस एनर्जी, क्योंकि हमने पहले ही बोल के रखा है वर्क डन इज सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया चेंज इन एरिया। सो टेंशन, सरफेस टेंशन कैन अल्टरनेटिवली बी डिफाइंड एज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो ये जो कुछ भी मैंने समझाया है हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखते भी जाएंगे। सो शुरुआत कहाँ से की थी हम लोगों ने, एक मेटालिक
रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया है, बेसिकली वायर का फ्रेम है। सो कंसिडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर जिसका नाम नमन प्रेजर किया हमने पी डैश पी एस एस डैश। इट हैज अ मूवेबल आर्म, सिर्फ एक ही आर्म मूव हो रहा है, एंड दैट मूवेबल आर्म इज क्यू आर। अब उसके बाद हमने इस मेटालिक फ्रेम को एक सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया था। दिस फ्रेम इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन ओके एंड टेकन आउट। तो जब आप इसको बाहर निकालोगे सॉल्यूशन से तो वहाँ पे एक फिल्म बन जाएगा बेसिकली सोप सॉल्यूशन का, और फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन विल बी फॉर्म्ड विद इन, कहाँ बनेगा ये, बी क्यू आर एस पे। सो विद इन पी क्यू आर एस जो डायग्राम में मैंने बता के रखा है। अब जैसे मैंने बताया कि हर एक आर्म इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा लेकिन पी एस फिक्स्ड है। सो विल जस्ट नोट इट डाउन, ईच आर्म ऑफ द फ्रेम एक्सपीरियंसेस इनवर्ड फोर्स, और ये इनवर्ड फोर्स क्यों था, सरफेस टेंशन की वजह से था, क्योंकि सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी है सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का, कम से कम करने का। इनवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म बेसिकली ओके। अब बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इनवर्ड फोर्स क्यू आर मूव होगा। सो अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स क्यू आर क्या होगा, मूव होगा टूवर्ड साइड पी एस। क्यू आर म्यू मूव्स मूव्स टूवर्ड्स साइड पी एस सो एज टू डिक्रीज और रिड्यूस द एरिया ऑफ द फिल्म, द एरिया ऑफ द फिल्म ओके। अब हम लोगों ने ये क्यू आर के लेंथ को एल लेके रखा था। सो इफ द लेंथ ऑफ क्यू आर इज एल, द इनवर्ड फोर्स एफ इज, द इनवर्ड फोर्स कैपिटल एफ इज इक्वल टू टी इंटू टू एल। ये कैसे आया मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स इज टेंशन इंटू लेंथ, और टू एल क्यों लिया, बिकॉज द फिल्म हैज टू सर्फेसेस। सो आई जस्ट मेंशन इट हियर, सिंस द सर्फेस और सिंस द फिल्म हैज टू सर्फेसेस बेटर सिंस द फिल्म हैज टू फ्री सर्फेसेस, और जस्ट यू कैन से टू सर्फेसेस, द अपर एंड द लोअर सर्फेस एंड द लोअर सर्फेस। सो दैट इज वाई द टोटल लेंथ ऑन विच ओवर विच सरफेस टेंशन एक्ट्स
एक्स इज 2L, सरफेस टेंशन एक्ट्स ऑन ऑन व्हाट, ऑन साइड क्यू आर, तो कन्फ्यूजन मत करना, सरफेस टेंशन एक्ट्स ऑन क्यू आर इज 2L। ओके, अब हमने क्या किया था, हम लोगों ने एक इक्वल और अपोजिट फोर्सेस पे अप्लाई कर दिया था। सो लेट अस से इमेजिन एन एक्सटर्नल फोर्स एफ डैश, इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू एफ, इक्वल एंड अपोजिट टू एफ, अप्लाइड ऑन आर्म क्यू आर। तो ये फोर्स क्या करेगा, एफ डैश फोर्स क्या करेगा, ये आर्म क्यू आर को बाहर की तरफ क्यू डैश आर डैश पे मूव करेगा। सो लेट मी चेंज, गो टू न्यू पेज। ओके, एफ डैश मूव्स क्यू आर टू क्यू डैश आर डैश बाय अ डिस्टेंस डी एक्स, बाय अ डिस्टेंस डी एक्स एंड हैंस इंक्रीजेस द एरिया। एफ एरिया को इंक्रीज कर रहा था, एफ डैश एरिया, एफ एरिया को डिक्रीज कर रहा था, एफ डैश इक्वल एंड अपोजिट है तो वो एरिया को इंक्रीज करेगा, हैंस इंक्रीजेस एरिया ऑफ द फिल्म, ऑफ द फिल्म। हमने अभी देखा कि वर्क डन होगा इस सारे प्रोसेस में, देयर फॉर वर्क डन अगेंस्ट एफ, अगेंस्ट एफ क्यों, क्योंकि एफ डैश ये एफ के अपोजिट में है, इज गिवन बाय, या फिर आप बोल सकते हो वर्क डन टू इंक्रीज सरफेस एरिया भी बोल सकते हो, इज गिवन बाय डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डैश डी एक्स। बट एज आई टोल्ड यू, एफ डैश इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू टी इंटू टू एल, देयर फोर आपको मिलेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू टू एल इंटू डी एक्स। बट अगेन टी एल इन टू एल इंटू डी एक्स इज नथिंग बट इंक्रीज इन एरिया, तो दिस इज नथिंग बट इंक्रीज इन एरिया ऑफ द फिल्म। देयरफॉर व्हाट यू विल गेट इज दिस, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, राइट। तो यहाँ से आपको सरफेस एनर्जी, बट वी नो दैट बट दिस वर्क डन इज नथिंग बट सरफेस एनर्जी, जैसे हमने डिफाइन करके रखा है सरफेस एनर्जी को, बट दिस वर्क डन इज सरफेस एनर्जी, देयरफॉर यू कैन राइट डाउन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। देयरफॉर यू कैन ऑल्सो डिफाइन सरफेस टेंशन एज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, देयरफॉर सरफेस टेंशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये बहुत काम में आएगा आगे हमको, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। डन, बहुत सिंपल है, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इट इज क्वाइट क्वाइट सिंपल थिंग। ओके, तो हमने किया क्या था, हम लोगों ने एक वायर का फ्रेम लिया है रेक्टेंगुलर शेप में, पी डैश पी एस एस डैश, इसमें एक मूवेबल आर्म लगा दिया क्यू आर, इसको सब्सट्रेशन में डिप कर दिया। जब आप सब्सट्रेशन से इसको बाहर निकालोगे, डिप करने के बाद जब बाहर निकालोगे इसको, तो यहाँ पे ये जो मैं येलो में बता रहा हूँ, यहाँ पे एक सरफेस फिल्म बनेगा बेसिकली। सो आई एम शेडिंग इट विद येलो कलर, दिस इज द सरफेस फिल्म दैट विल बी फॉर्म्ड। ओके, अब क्योंकि ये सरफेस फिल्म है,
इसके दो साइड्स है, एक ऊपर का साइड एक नीचे का साइड। एनीवेज अब व्हाट वी नो इज दिस, इस पे सरफेस टेंशन एक्ट होगा। सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी होता है सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का, मतलब ये चारों साइड्स को QP, PS, SR और QR को अंदर की तरफ खींचेगा, लेकिन बाकी साइड्स फिक्स है तो सिर्फ QR मूव होने वाला है इनसाइड विद फोर्स F। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। तो ये जो फोर्स F है दैट इज नथिंग बट T इंटू 12, क्योंकि बाय डेफिनेशन सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ। सो बाय डेफिनेशन सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ। लेकिन 12 क्यों लिया, क्योंकि जैसे मैंने बोला दो फ्री सरफेस है और हम लोग सिर्फ क्यू आर साइड की बात कर रहे हैं, तो क्यू आर के ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी दोनों तरफ सरफेस लिक्विड कॉन्टैक्ट में है, तो दोनों तरफ टेंशन एक्ट होगा, तो एफ अपॉन 12 आने वाला है यहाँ पे। सो फोर्स इज टी इंटू 12। अब हम लोगों ने एक अपोजिट फोर्स इमेजिन किया है जो एक्चुअली सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, मतलब क्यू आर को नई पोजीशन पे क्यू डैश आर डैश पे ले जाएगा। मतलब ये जो नया एरिया है दैट इज मोर देन द इनिशियल एरिया। एंड व्हाट इज द चेंज इन द एरिया, कितने से एरिया चेंज हुआ, डी ए से चेंज हुआ, और ये डिस्टेंस जो चेंज हुआ दैट इज डी एक्स। तो हमने जो एफ डैश लिया है इट इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू फोर्स एफ। तो एफ सरफेस एरिया को कम कर रहा था, एफ डैश सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, तो सरफेस एरिया बढ़ गया क्योंकि हमने एक अपोजिट फोर्स अप्लाई किया। बढ़ गया तो फोर्स है तो वर्क डन होगा, क्योंकि एरिया बड़ा है तो वर्क डन इज एफ डैश डी एक्स। बाई डेफिनेशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। एफ डैश क्या था, टी इंटू 12 डी एक्स, पर ये जो है 12 डी एक्स क्या है, दैट इज इंक्रीज इन एरिया दैट इज डी ए। सो डी डब्ल्यू आपके पास मिल गया टी डी ए, पर बाई डेफिनेशन डी डब्ल्यू क्या है, वर्क डन क्या है, सरफेस एनर्जी, क्योंकि वर्क डन स्टोर हो जाएगा, कहाँ स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इंक्रीज इन एरिया में स्टोर हो जाएगा ये। तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सरफेस एनर्जी और अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, दैट सरफेस टेंशन कैन बी डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया।